मजा आ गया, मजा आ गया भाई। वाह वाह, मैं कहता हूँ खुलो जाओ जरा। दोस्तों कैसे आप लोग, खैरियत से हैं? ठीक ठाक है, उम्मीद करता हूँ बेहतरीन होंगे। व्यूअर्स, चूंकि आपको मैं पिछले व्लॉग में बता चुका हूँ कि मेरे जो साथ पाकिस्तानी दोस्त थे, भाई थे, वो ये रूम छोड़ के दूसरे रूम में चले गए हैं। उसकी वजह यह थी कि COVID-19 की वजह से 3 लोग एक रूम में नहीं रह सकते थे, लिहाजा उसके लिए मैं इसी रूम में रह गया। 2 लोग वो नेक्स्ट रूम में चले गए और मेरे साथ एक फलपाइनी जो है न्यू गए, वो इंटर हो गया। लिहाजा ये और ये सेंटर में अलमारी रख दी है। लो जी, खलास हो गया। और आज चूंकि हम अलहदा हो गए हैं, इसलिए खाना पीने का भी सोच लिया कि थोड़ा सा अलहदा, क्योंकि ड्यूटीज़ का हिसाब किताब नहीं मिल रहा, क्योंकि अभी उनके कमरे को लॉक है, तो मैं ज़ाहिर बात सालन वगैरह कैसे इस्तेमाल करूँ, तो थोड़ा सा डिफरेंसेस हो गई हैं। तो उसके लिए क्या किया है कि उसके लिए प्लान किया है कि अपना खाना खुद बनाए। तो आज मैं अपना खाना खुद बना रहा हूँ। तो खाने में क्या बना रहा हूँ तो वो भी बता देता हूँ आपको। उसके लिए पहले तो चलते हैं मार्केट और कुछ शॉपिंग करते हैं, कुछ खरीद कर लाते हैं और फिर बताते हैं कि आज क्या बनने वाला। तो चलते हैं शॉपिंग की तरफ। बस आ गए और काफ़ी कुछ लेके आए हैं, तो क्या कुछ लेके आए हैं ज़रा वो भी आपको दिखा। देखिए जनाब, एक तो एक अदद घी लेके आया हूँ जो कि बड़ा है, काफ़ी मेरा दिन गुजर सकते हैं ईजिली। काली मिर्च लेके आया हूँ, ठीक है। साल्ट है, ये लेके आया हूँ। साथ में है मैं मटन कीमा, ठीक है, मटन कीमा लेके आया हूँ। यहाँ पे इस तरह के रोल मिल जाते हैं जो आके आप इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी इसको मैं पानी में भिगो के रखूँगा तो बेहतर हो जाएगा। तो ये मटर है, ये सारा कुछ फ्रीज हुआ पड़ा है, तो अभी इसको पानी में डालना पड़ेगा आई थिंक। उसके बाद टमाटर, प्याज और ये थोम, पंजाबी विच भी उर्दू विच भी, हाँ। और ये मिर्च, और ये जो कल मैं बर्तन लेके आया था पतीला, और ये डोई, तो ये चीज़ें मेरे पास मौजूद हैं। तो अब मैं स्टार्ट करने वाला हूँ कुकिंग। सबसे बड़ा मसला क्या है? बड़ा मसला ये है कि कुकिंग आंदी सानू कोई नहीं, क्योंकि जती पुछती ऐसी, वो कहते हैं ना लाडले बच्चे और अम्मा जी के बच्चे है। तो फिर जारी बात है, घर में जब औरतें हो तो फिर मर्द तो थोड़ी ना पकाते हैं। तो चूंकि अब यहाँ पे आ गए हैं तो अब ये बनाना पड़ेगा, अब सारा सिस्टम खुद करना पड़ेगा, मैनेज करना पड़ता है भाई जान। तो अभी करता हूँ कॉल किसी स्पेशल बंदे को, या फिर यूट्यूब ओपन करता हूँ और वहाँ से देखता हूँ व्लॉग किसी का कि इसको बनाना कैसे है। उसके बाद फिर साथ साथ कैरी ऑन करते रहेंगे। और हाँ, जहाँ पे गलती हो जाए आप मुझे खुद बता दीजिएगा कि यहाँ से आपकी गलती है, यहाँ नमक नहीं, यहाँ पे मिर्च शामिल करें, मिर्च नहीं, यहाँ पे हल्दी शामिल करें। तो मुझे साथ साथ बताते रहिएगा और साथ साथ मैं व्लॉग भी बनाता रहूँगा और साथ साथ में मेरा खाना भी तैयार हो जाएगा। तो करते हैं अपने खाने को स्टार्ट। पहले मैं इस पतीले के अंदर अपने ये जो है बीफ, इन दोनों को भिगो के रखता हूँ कुछ देर के लिए, ताकि, और ये मटर भी, ताकि ये थोड़ा सा नरम हो जाए और हांडिया बनाने के लिए इस्तेमाल हो जाए। और उतनी देर में मैं फिर प्याज वगैरह इनका मसाला बना लेता हूँ। ये 2 प्याज ले लिए हैं, 1 टमाटर ले लिया है, 3-4 ये मिर्चें ले ली हैं, थोड़ा सा थोम ले लिया है, और मटर की जो है 1 मुट्ठी वो भर के इसके अंदर डाल ली है, ताकि ये, क्योंकि फ्रीज था ना तो ये नरम हो जाए। उसके बाद ये जो है ये काफ़ी ज़्यादा हार्ड था, सख्त था, तो इसको भी मैंने पानी में भिगो के रख दिया ताकि ये भी नरम हो जाए। तब तक मैं अपना मसाला बना लेता हूँ जी। तो ये डाल दिया है पानी के अंदर, सारा सीन जो के अंदर डाल दिया हुआ है और काफ़ी हद तक जो है मिक्स हो गया है। अब इसके ऊपर मैं दे रहा हूँ ढक्कन, ठीक है। उतनी देर में मैं अपना मसाला क्लियर कर लेता हूँ। काफ़ी अच्छी लुक जो है वो नज़र आ रही है। अब मटर की बारी है, तो मटर जनाब ये भी मैं इसके अंदर अब डाल ही देता हूँ, ठीक है। उसके बाद मसाले की बारी आ जाएगी। ये वैसे मैं फर्स्ट टाइम कुक कर रहा हूँ, अल्लाह ख्याल करे, उम्मीद करते हैं अच्छा रिजल्ट ही आएगा। वो कहते हैं जिस तरह भी हो, माँ कहते हैं किस तरह कहते हैं, प्यो पुत्र ना देगा तो घर भी ना आंदा है, वो पीर पीर की गल है, पीर पुत्र ना देगा तो घर भी ना आंदेगा।
तो अगर यह हांडी ना भी अच्छी बनी तो क्या, मैंने ही खानी है ना। वैसे उम्मीद करते हैं अच्छी बनेगी, क्योंकि मेहनत की कोई भी चीज़ जो है ना अल्लाह पाक रायगा नहीं जाने देता, तो उम्मीद करते हैं अच्छा ही बनेगा। और हैंडमेड है, होटल की चीज़ है तो मैक्सिमम अच्छी होगी ना। हल्दी डाल दी है और रहेगी मिर्च, तकरीबन हाफ स्पून ही डाल रहा हूँ, हाफ स्पून ना, ज़्यादा ना। काली मिर्च को भी खोल लेते हैं, तकरीबन ये भी हाफ स्पून काली मिर्च, और तकरीबन एक नमक का साल्ट का एक चम्मच, आई थिंक इनफ है। ऑयल की, तो ऑयल में ये यूज़ कर रहा हूँ, ये जनाब अब हंडी को हलाना शुरू करते हैं। ये जिसकी फाइनल लुक आ रही है, अल्लाह खैर करे, उम्मीद करते हैं काम तो अच्छे लग रहा है। ये तो अब खाने के वक्त ही पता चलेगा कि किस तरह बनी है। वैसे पानी खुशक हो चुका हुआ है, अंदर के माल का क्या पता, वैसे वो भी गल गया होगा। हाँ, तो पूछना, अगर आप ये पूछना चाह रहे हैं कि क्या बना रहे हैं, तो ये है मटन, तो बकरे का कीमा है। है और तकरीबन काफ़ी हद तक ये तैयार भी हो गई है, तो ये इसकी फाइनल लुक चेक कर लें। माशाल्लाह, वैसे मैंने इसका नमक और मिर्च वगैरह जो है वो चेक किया है, काफ़ी हद तक बेहतर है, और गोश्त जो है वो गल भी चुका हुआ है, मटर जो है वो भी गल गए हुए हैं, और हल्की आंच है वैसे इस टाइम। और मैं सोच रहा हूँ क्यों ना अब इसको तकरीबन थोड़ा सा टेस्ट भी कर लिया जाए मटर समेत। ठीक है, और इसको अब थोड़ा सा ढक्कन दे के बंद भी कर दिया जाए। अरे वाह, क्या बात है बोनस की! आह, मजा आ गया, मजा आ गया भाई! वाह वाह, मैं कहता हूँ खिलो जाओ जरा! वाह, क्या बात है! खिलो ना, खिलो ना, 1 मिनट। आहा, टमाटर रहते थे वो भी डाल दिए हुए हैं, और वैसे नीचे भी नहीं लगी है, देखें नीचे लगने से भी बच गया हुआ है, और तकरीबन जो है वो तैयार हो गया हुआ है। और अब करते हैं इसका स्विच ऑफ, फिनिश। तैयार हो चुका है और अब बारी आती है रोटी की, तो रोटी के लेने आए हैं पठान होटल पे। अस्सलाम वालेकुम पठान भाई, कैसे हैं? मुझे ईद मुबारक, और मुझे एक रोटी दे दें जी। देखिए माशाल्लाह इतनी बड़ी रोटी होती है जी, काफ़ी बड़ी है ना जी। फाइनली होटल से रोटी भी ले आया हूँ, सालन भी बन चुका है, तो अब बारी आती है इसको खाने की, तो देखते हैं क्या बना है, तो कैसे बना है, तो ज़रा चेक कर रहे हैं जी, बिस्मिल्लाह करके। पहले पानी पी लें थोड़ा सा। तो ये ज़रा फाइनल लुक भी देख लें, मज़ेदार है ना, तो अब चेक कर लूँ ज़रा। वाह, अरे वाह, क्या बात है बलोशी, माशाल्लाह, या अल्लाह तेरा शुक्र है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, कसम की बात है, कसम बस उठाने से रह गया हूँ, बाकी कह सकता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। वाकई कमाल का बना है, चस आ गई मैं कहता हूँ। और कुछ ना भी बनाऊँ तो हर दूसरे तीसरे दिन बाद ये बना के मैं अपना सेटअप सीधा कर सकता हूँ।
माशाल्लाह मुझे बहुत पसंद आया, मेरे हाथ का बना हुआ सालन बहुत मज़े का है, मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा और अल्हम्दुलिल्लाह नेक्स्ट भी बनाते रहेंगे और ये एक्सपीरियंस मज़ीद बढ़ता जाएगा। तो मैं अभी खाना कंप्लीट कर लूँ, तो मेरे नेक्स्ट व्लॉग के लिए आप ज़रूर रेडी रहिएगा और मुझे बताइएगा कि मेरा तरीकाकार कैसा लगा आपको, उसकी लुक भी बताइएगा, क्योंकि मुझे पता है किसको खाने से कमाल तबाही है भाई। तो इंशाल्लाह एक नए व्लॉग के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए मुझे दे इजाज़त, फी मान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़।